नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज RES मेंस 2018 के पेपर फोर्थ में इंग्लिश में जो आपके एंटोनिम्स जो पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सिनोनिम्स बताए थे, आज आपको एंटोनिम्स बताने हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमने एंटोनिम्स लिए हैं आपके एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और आपके RES के एग्जाम से भी रिलेट रखते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो से पहले हम आज आपको पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछे थे आपसे उनका आंसर आपको बता देते हैं। तो देखिए, आपको हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे तो उनका आंसर हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका पहला था बेस, बेस का मतलब होता है आपका अधम या नीच, अधम या नीच। और इसका जो आपका आपका जो एंटोनिम्स होगा वो आपका एंटोनिम्स जो होगा वो आपका एंटोनिम्स है आपका नोबल। नोबल मतलब होता है उच्च या कुलीन, उच्च या कुलीन। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है आपका एव, EBB, एव। एव का जो अर्थ होता है आपका हास या हासपूर्ति, हास हास या आपूर्ति, ठीक है, हास या फिर आपूर्ति, आपूर्ति हास आपूर्ति। और एक होता है इसका अर्थ होता है आपका होता है अवनति, अवनति, ठीक है, अवनति। और इसको अगर बात करें इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका एंटोनिम्स जो है आपका निरंतर उत्पादन, निरंतर उत्पादन हो, ठीक है, निरंतर उत्पादन। ये इसका आपका फ्लो का आपका एंटोनिम हो जाएगा एप का। अगला देखते हैं, देखिए अगला है आपका कर्नेल। कर्नेल का अर्थ होता है आपका गिरी या मिंगी, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स है वो होगा आपका शैल। शैल का जो अर्थ होता है, शैल का अर्थ होता है छिलका, शैल का अर्थ होगा छिलका। अगला देखते हैं, अगला है आपका मोनोटोमी। मोनोटोमी का मतलब होता है एक रस्ता, एक रस्ता। मोनोटोमी का अर्थ होता है एक रस्ता। और इसके अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं, इसका एंटोनिम्स होगा वेराइटी या फिर डाइवर्सिटी, वेराइटी या फिर डाइवर्सिटी। तो इसका अर्थ हो जाएगा विविधता, ठीक है। वेराइटी का मतलब होता है विविधता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता। ठीक, अगला है आपका रिमीटर, जो हमने प्रश्न छोड़ा था। रिमीटर, रिमीटर का मतलब होता है प्रेषक। और इसके बारे में अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो आपका रिसीवर या फिर रिसिपेंट, रिसीवर या फिर रिसीव, तो प्राप्त करने वाला, तो ये होगा, ठीक है। रिमीटर मतलब भेजने वाला और ये हो जाए रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका मीनिंग है वो है आपका इनमिकल। इनमिकल मतलब होता है आपका दुश्मनी। और इसके अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका फ्रेंडली, जिसका अर्थ होता है दोस्ती। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका जेटसन। जेटसन मतलब होता है आपका फेंक देना, जेटसन मतलब होता है फेंक देना। और इसका जब आप एंटोनिम्स देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स होगा प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षण। तो आपको अर्थ पता है तो आप आराम से आप मीनिंग्स बना सकते हैं आपके। अगला है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है थकना, एग्जॉस्ट मतलब होता है थकना। और इसके जब एंटोनिम्स के बारे में बात करते तो इसका एंटोनिम होगा इनविग्रेट्स। इनविग्रेट्स मतलब होता है जान डालना, इस तरीके से इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपका फ्लेमवाइंट। फ्लेमवाइंट मतलब होता है उग्र, फ्लेमवाइंट मतलब होता है उग्र। और इसका जब आप क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देखिए, अगला है आपका फ्लिस्टाइन। फ्लिस्टाइन मतलब होता है आपका असभ्य, इसका अर्थ होता है असभ्य। और जब आप इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे तो इसका एंटोनिम होगा कल्चर्ड। कल्चर्ड मतलब होता है आपका सभ्य, तो इसका ये एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला है आपका सबमिशन। सबमिशन मतलब होता है विद्रोह, सबमिशन का मतलब होता है विद्रोह। और इसके जब एंटोनिम्स को देखते हैं तो रिवेलियन, रिवेलियन मतलब होता है आपका आज्ञाकारिता, तो ध्यान रखिएगा रिवेलियन मतलब होता है आज्ञाकारिता। अगला देखते हैं, अगला है आपका मेटरलाइज्म। मेटरलाइज्म मतलब होता है आपका भोगवाद। और इसका जब एंटोनिम्स होगा तो वो इसका एंटोनिम्स होगा स्पिरिचुअलाइज्म, इस मतलब होता है आपका अध्यात्मवाद, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। 8th नंबर पे है आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई जाति, भाई या भतीजावाद। और इसका जो इम्पार्शियलिटी, इसका अपोजिट होगा। देखिए, ये थोड़ा सा इसका ये शब्द यूज में लिया जा रहा है और कई बार यूज में लिया गया है इस शब्द को, क्योंकि अभी जो चुनावी मुद्दा उठा है उसमें भी इस चीज को यूज में लिया है, भाई बचते भतीजावाद को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो हो जाएगा इम्पार्शियलिटी, तो इसका निष्पक्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका प्रजम्पशन। प्रजम्पशन मतलब होता है अक्खड़पन, अक्खड़पन। प्रजम्पशन मतलब होता है अक्खड़पन। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एंटोनिम्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता।
अगला देखते हैं, अगला है आपका सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन, तो ध्यान रखिएगा सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। और इसका जब एंटोनिम्स जो होगा वो होगा आपका कंपनशेस। कंपनशिप मतलब होता है आपका साथ, कंपनशिप मतलब होता है आपका साथ। अगला है आपका वाइस। वाइस का मतलब होता है अवगुण, वाइस का अर्थ होता है अवगुण। और वर्च्यू मतलब होता है आपका गुण, वर्च्यू का अर्थ होता है गुण, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका रिडिमेंट्री, मतलब होता है अविकसित या आदिम, अविकसित या आदिम। और ये इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका एडवांस, तो ये होगा विकसित। एडवांस का मतलब होता है विकसित। अगला है आपका रेट्रोस्पेक्शंस। रेट्रोस्पेक्शन मतलब पश्चदृष्टि, पश्चदृष्टि। और एंटिसिपेशन मतलब होता है पूर्वानुमान। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर पे आपका है मोइस्ट। मोइस्ट मतलब होता है तर, यानी कि गीला। और ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा। अगला देखते हैं, अगला है आपका स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। और इसको जब हम बात करें इसके एंटोनिम्स के, तो इसका लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, तो ध्यान रखिएगा इन दोस्त। अगला है आपका जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार। और जेनरस का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा मेलिशियस। मेलिशियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। अगला है आपका ओबीवियस। ओबीवियस, ओबीवियस का अर्थ होता है स्पष्ट। और इसके जब एंटोनिम्स को देखते हैं तो इसका एंटोनिम्स होगा लेटेंट, लेटेंट होगा गुप्त। अगला है आपका ओरिएंटल। ओरिएंटल का अर्थ होता है पूर्व देशीय है, ओरिएंटल का अर्थ होता है पूर्व देशीय है। और ऑक्सीडेंटल और या फिर वेस्टर्न, ये होता है आपका पाश्चात्य, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोनों। अगला है आपका इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अज्ञानी या अनभिज्ञ। और इसके जब आप एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे तो इसका हो ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब होता है आपका सर्वज्ञाता। अगला देखते हैं, अगला है आपका डेवियस। डेवियस मतलब होता है आपका, डेवियस मतलब घुमावदार या फिर मैंडरिंग, दोनों का अर्थ एक ही होता है घुमावदार। और इसके जब आप अपोजिट के बारे में बात करेंगे, एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे, तो ये होगा स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं सीधा। अब देखिए मिगर, मिगर का अर्थ होता है आपका थोड़ा या अल्प। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त या फिर प्रचुर, तो ये इस तरीके से इसके अर्थ हो जाएंगे। अगला देखते हैं लॉफुल। लॉफुल मतलब होता है वैध, और इलिसिट, इलिसिट मतलब होता है अवैध। अगला देखते हैं, अगला है आपका इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है नीरस। ठीक है, और इसके जब आप एंटोनिम्स के लिए देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स होगा लाइवली। लाइवली मतलब होता है सजीव। अगला है आपका प्रोलिक्स। प्रोलिक्स मतलब होता है विस्तृत, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए बहुत ही। प्रोलिक्स मतलब होता है विस्तृत। अगला है आपका लैकोनिक, मतलब संक्षेप में। लैकोनिक का अर्थ होता है आपका संक्षेप में। अगला देखते हैं, देखिए अगला जो है एंटोनिम्स वो है, आपको शब्द बताना है, आपको शब्द दिया गया है स्लंप, मतलब होता है मंदी। ठीक है, तो ये मंदी का दौर चल रहा है, तो इसका अर्थ होगा स्लंप। स्लंप और स्लंप मतलब होता है मंदी। तो और इसके जब एंटोनिम्स देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स होगा बूम, तेजी। अगला देखते हैं, अगला है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वास होना, कॉन्फिडेंट विश्वास, विश्वास में होना। ठीक है, विश्वास होना कॉन्फिडेंट। और इसका जब आप एंटोनिम्स देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स होगा अप्रेहेंसिव। अप्रेहेंसिव मतलब होता है विश्वास का अभाव होना, विश्वास का अभाव होना। अगला देखते हैं, अगला है आपका क्वैक्स। क्वैक्स मतलब होता है रिझाना, क्वैक्स मतलब होता है रिझाना। और जब इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो देखिए इसका एंटोनिम डिसोएड। डिसोएड मतलब होता है बचना या फिर आपका वर्जन, बचना या फिर वर्जन। अगला देखते हैं, अगला है आपका कॉन्सिल। कॉन्सिल मतलब होता है छिपाना, कॉन्सिल का अर्थ होता है छिपाना। और जब इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो देखिए एंटोनिम्स जो होगा रिवील या फिर डाइवल्यूज। डाइवल्यूज मतलब होता है प्रकट करना या फिर भेद खोलना। ठीक है, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, और डाइवल्यूज मतलब होता है आपका भेद खोलना। अगला देखते हैं, अगला है आपका सब्सिक्वेंट, मतलब होता है इसका बाद में, इसका अर्थ होता है बाद में। और कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब होता है साथ में, इस तरीके से इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला है आपका कॉलस। कॉलस मतलब होता है असंवेदनशील। और जब इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम्स होगा सेंसिटिव, जिसका अर्थ होता है संवेदनशील। अगला है आपका ऑडेसियस। ऑडेसियस मतलब होता है आपका साहसी। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका कॉवर्डली। कॉवर्डली मतलब होता है आपका कायर। अगला देखते हैं, एलिनेट। एलिनेट का मतलब होता है आपका दूर करना। अगला है जो आपका एलिनेट मतलब होता है आपका दूर करना। और इसका जब एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका आइडेंटिफाई,
मतलब संबंध स्थापित करना, आइडेंटिफाई मतलब संबंध स्थापित करना। अगला देखते हैं, अगला है आपका डिसिडेंट। डिसिडेंट मतलब होता है वंशज, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एंसेस्टर मतलब होता है इसका पूर्वज, डिसेंट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। आगे देखते हैं, अगला है आपका एम्ल्यूरेट। एम्ल्यूरेट का अर्थ होता है आपका सुधारना, एम्ल्यूरेट मतलब होता है सुधारना। और वर्जन, वर्जन मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना या बिगड़ना, ठीक है, या फिर बिगाड़ना। अगला देखते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद, डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है विवाद। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अर्थ होता है आपका सहमति, एग्रीमेंट का अर्थ क्या होगा, सहमति। अगला देखते हैं, अगला है आपका डेमोलिश। डेमोलिश मतलब होता है गिराना, डेमोलिश मतलब होता है गिराना। और कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना। अगला देखते हैं, देखिए 37 नंबर पे है आपका मेथोडिकल। मेथोडिकल मतलब होता है व्यवस्थित, ठीक है, मेथोडिकल मतलब होता है व्यवस्थित। और इसका जो एंटोनिम्स होगा डिसलेटरी, डिसलेटरी मतलब होता है आपका अव्यवस्थित। अगला देखते हैं क्लेस्ट्रियल। क्लेस्ट्रियल का मतलब होता है परलौकिक, क्लेस्ट्रियल का मतलब होता है आपका परलौकिक। और अर्थली, अर्थलिक का होगा आपका, अर्थली का अर्थ होगा आपका सांसारिक जो। अगला देखते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है मिथ्या, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका रियलिटी, यथार्थ। अगला देखते हैं, देखिए अगला है आपका जीएंट। जीएंट का अर्थ होता है विशाल का है। और डॉर्फ, डॉर्फ मतलब होता है आपका बौना। अगला देखते हैं, देखिए अगला है आपका कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का अर्थ होगा दंड देना। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका पार्डन, क्षमा करना, पार्डन मतलब क्षमा करना। अगले नंबर पे है 42 है आपका प्रेज। प्रेज का अर्थ होगा प्रशंसा करना, प्रेज मतलब होता है आपका प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना, ठीक है, प्रशंसा करना। और बिलिटल, बिलिटल मतलब होता है आपका अपमान करना, इसका जो एंटोनिम्स है वो है आपका बिलिटल। अगला देखते हैं, देखिए अगला जो है आपका एक्टेसी। एक्टेसी का मतलब होता है आपका अत्यधिक खुशी होना, अत्यधिक खुशी होना। और इसका जो एगोनी, इसका एंटोनिम होगा एगोनी। एगोनी मतलब महाकष्ट, किसी को महाकष्ट होना, एगोनी। अगला देखते हैं, अगला है आपका फर्म। एक तो यह है फिर्म और एक स्टीडफास्ट। स्टीडफास्ट ये आपका अर्थ होगा, देखिए फिर्म का मतलब होता है अटल और स्टीडफास्ट का होता है स्थिर। और अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम्स होगा कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होता है आपका सनकी। अगला देखते हैं, अगला है आपका एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है अच्छा, एलिगेंस मतलब होता है अच्छा। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका वल्गरिटी। वल्गरिटी मतलब अश्लील। अगला देखते हैं, अगला है आपका हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा या रुकावट। और इसके जो एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स होगा एड। एड का मतलब होता है सहायता। आगे देखते हैं, देखिए 47 है आपका एप्ट। एप्ट उचित। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है आपका इम्प्रॉपर, अनुचित, इसका अर्थ होगा अनुचित। अगला देखते हैं, अगला है आपका थ्रिप्टी। थ्रिप्टी या फ्रुगल, फ्रुगल दोनों, और इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, मितव्ययी, थ्रिप्टी या फ्रुगल। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है अपव्ययी। अगला देखते हैं, देखिए 49 है आपका सप्लाई। सप्लाई का अर्थ होता है वितरण। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका होर्ड। होर्ड मतलब होता है आपका इकट्ठा करना, तो ध्यान रखिएगा सप्लाई और इसका एंटोनिम्स जो होगा वो आपका होर्ड होगा। अब आएगा आपका 50 नंबर पे है आपका फैक्चुअल। फैक्चुअल का अर्थ होता है आपका तथ्यात्मक। और फिक्सिशियस, फिक्सिशियस मतलब होता है आपका काल्पनिक। फिक्सिशियस मतलब होता है आपका काल्पनिक। तो ये थे आपके 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। अब चलते चलते हम आपसे कुछ प्रश्न आपके लिए वीडियो के एंड में हम छोड़ रहे हैं, आप इसको हमें ज़रूर बताएं इनके आंसर, या आपको हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। इस साथ ही इसकी जो एंटोनिम्स की जो हमने पीडीएफ है वो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम आपके जो आपके लिए क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, तो आपको राइट वन वर्ड फॉलोइंग गिवन सेंटेंस, आपको इनके आंसर इनके बताने हैं कि इनके वन वर्ड क्या होंगे। तो पहला है आपका वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, तो इसका आंसर देना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा, वन वर्ड क्या होगा। दूसरा है आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग साइज्ड बाई अटैक, तो इसका आंसर बताना है आपको। तीसरे नंबर पे आपका द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, तीसरे नंबर पे आपको इसका आंसर बताना है। फोर्थ है आपका वन हु इज अनेबल टू पे हिज डिबेट्स, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डिबेट्स, तो इसका आपको वन वर्ड बताना है। और फिफ्थ है आपका ए थिंक दैट कैन नॉट बी सीन विद ह्यूमन आइज,
तो इनके आपको पांच जो आपके वन वर्ड हैं, आपको इनको सेंटेंस है इनके वन वर्ड बताने हैं, तो इनके वास्तव में इनके आंसर क्या होंगे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताएं हमें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।